नमस्कार, मैं प्रवीण पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ पंडिया। अभी हम पहुंचे हुए हैं बंगाल और झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र में, जहां कि यहां पर देखा जा रहा है कि पूरी तरह लॉकडाउन का पालन करते हुए सील किया गया है बॉर्डर को। आइए हम आपको एक नज़ारा दिखाते हैं कि बॉर्डर जो है किस तरह सील है, और यहाँ जो है पुलिस जो है अपने ड्यूटी में तैनात है। वो रातों दिन यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं कि किसी तरह का कोई बंगाल से ट्रक हो या पब्लिक हो अपने झारखंड ना प्रवेश करे। और झारखंड जो है, झारखंड भी पुलिस अपने आप ड्यूटी में तैनात है। वो भी चाह रहे हैं कि मेरे जो है बंगाल सीमावर्ती क्षेत्र से जो है झारखंड की ओर प्रवेश न करें। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं कि बॉर्डर में क्या क्या सील किया गया है और क्या क्या गाड़ी को जाने दिया जा रहा है। तत्काल में गैस गाड़ी, दूध गाड़ी और एक तो मेडिसिन दवा वगैरह उसी को पार्क होने देना है। और विशेष अगर वरीय पदाधिकारी द्वारा अगर पास निर्गत है तो उसको छोड़ दें पता करके। और आम पब्लिक जो आना जाना ना है उसको नहीं आने दिया जरा नहीं किसी तरह का। आदेश है कि सील करना है, बंगाल जाएंगे ना झारखंड से वाले, बंगाल जाएंगे ना बंगाल वाले झारखंड जाएंगे। आइए हम बंगाल अभी बॉर्डर प्रवेश करते हैं और बंगाल बॉर्डर प्रवेश करके उनसे जानते हैं कि वो क्या क्या चीज़ को सील किए हैं और सील करने के बाद जो है क्या क्या चीज़ को वो छोड़ रहे हैं गाली। हम बंगाल पहुंच चुके हैं और बंगाल पहुंचने के बाद आप देख रहे हैं कि दो ट्रक जो है खड़ी हुई है, वो बॉर्डर को जो है सील किए हुए हैं। आइए हम यहाँ के अधिकारी से बातचीत करना चाह रहे हैं कि किस किस चीज़ को सील किए हैं और क्या क्या चीज़ को आने दिया जा रहा है और क्या क्या चीज़ पे रोक लगा हुआ है। गैस सिलेंडर, तापर सब्जी गाड़ी, ये सब गाड़ी आर की है जो एसेंशियल जिनिस आज से छाड़ी दीछे। एम्बुलेंस को लेकर जो सर पिछले अखबार में भी हमारे पास आया था कि अखबार में भी छपा था और सिंहपुर नर्सिंग होम को जो है डॉक्टर रमेश प्रसाद जी का कहना था कि एम्बुलेंस जो है आपका बंगाल सीमावर्ती क्षेत्र में आया था, जो कि एक डिलीवरी महिला थी। प्रसव होने के चलते जो आप लोग एक घंटा विलम्ब किए थे और उनका प्रसव जो है एम्बुलेंस में ही हो गया था, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा एम्बुलेंस को अटकाए, हमारा कोई नाटक नहीं। तो इनका कहना है कि हम एम्बुलेंस नहीं रोक रहे हैं। अब सच्चाई क्या है, अखबार में भी प्रकाशित होता है